अब आप आइन उठाइए जी। मैंने सर आप हाथ में ले लिया सर। क्या है स्टेट रिलीजन पाकिस्तान का, क्या है, कौन सी शिक है पता है? शिक मुझे देखनी होगी सर, मुझे इस वक्त तो मुकदमे की जो तैयारी है उससे मुतल्लिक ये तो एक आपसे, क्योंकि आपने माशाल्लाह आप हाफिज हैं इसलिए हम जरा मुतासिर हुए आपसे सर, आपका शुक्रिया। तो ये अगर आप जी मैं शिक शुरू ही में है, दूसरी शिक ऐसे टू में सर जरा पढ़ लें। इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान और बस दो ही एक छोटा सा शिक है, बहुत छोटी सी मुख्तसर सी शिक है जी ऐसे। अब आप जरा चलिए 227 पे सर। देखिए हमारा मुल्क का नाम जो है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है जी सर। All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, in this part referred to as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. बस यहाँ रुक जाइए सर, अब principles of policy पे आ जाइए जी सर। शायद 31 है या कौन सा है सर, जी। स्टेप्स शैल बी टेकन टू एनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर बाय दे मे बी एनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना। इसका क्या तशरी कर दें उर्दू में आप इसकी? बहुत अच्छे तरीके से तो उमर कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आती है जितनी उर्दू फहमी मेरी है उसके मुताबिक तो ये रियासत की रियासत ऐसे तमाम इकदामात जो हैं वो उठाएगी जिससे रियासत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इंफरादी हैसियत में हों चाहे इज्तमाई हैसियत में, उनकी जिंदगियां जो हैं वो इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक और एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज और उनको ऐसी सहूलतें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी वे बाई दे मे बी एनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। अंग्रेजी नहीं उर्दू सर, मैं थोड़ा सा बताइए ना उर्दू में कि वो अपनी जिंदगियां जो हैं वो इस्लाम और होली कुरान और सुन्नत के कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक। ये जो अल्फाज हैं ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लिखे गए मगर इस पर अमल करना चाहिए जी ऐसे। अब अमल का आगाज कहां से होगा? कुरान शरीफ से सर जी। अब चले हम कुरान शरीफ से आपके केस का मसला हल करते हैं, करें या ना करें सर? अगर आपको इतराज है तो हम नहीं करते हैं, हम नहीं सर, फिर दुनिया के कानूनों पे चलेंगे, अगर आप इजाजत दें तो हम चलते हैं। नहीं सर, रियासत का मजहब चूंकि इस्लाम है और आर्टिकल 2 के मुताबिक है तो फिर यकीनन अच्छा, जो रियासत के अंदर अदालतें इंसान का को क्या कहा गया है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सर बताएं? इंसान हाफिज साहब इंसान को अल्लाह ताला ने क्या लकब दिया है सर, या क्या उस डिस्क्राइब किया है सर? खलीफा अशरफुल मखलूकात। पहले बताएं कि सबसे आखिरी चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई इंसान अहसनुल तकवीम है ना सर, क्या मतलब हुआ इसका तर्जुमा? शायद तो कुरान सर, मैं हाफिज़े कुरान मतलब ये सबसे बेहतर सर ऐसे क्रिएशन, ठीक है जी। और क्या कहा गया अल्लाह ताला ने इंसान को क्या रोल दिया है, जिम्मेदारी क्या है? ये अल्लाह ताला के खलीफा हैं जी, इसको राय अल्लाह ताला के खलीफा नहीं है, खलीफा फिल अर्द है, खलीफा फिल अर्द जमीन के खलीफा जी। दुरुस्त दुरुस्त सर। और ये इसका तस्करा एक जगह नहीं, कई जगह सूरह बकरा में भी है, कोई मेरे ख्याल में 30वीं उसकी वो है सूरह, और सूरह नमल में भी है यही बात कही गई है 62वीं, खलीफा फिल अर्द। अब खलीफा फिल इंसान नहीं, समझ रहे हैं आप जी बजा, खलीफा फिल मुस्लिमीन नहीं सर, खलीफा फिल अर्द। अर्द में क्या क्या चीजें हैं? जानवर जी, सब चूंटियां बजा सब कुछ आ गया, बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल ऐसे जंगलात सर, ठीक है ना जी ऐसे ही। अब हम ये सारी चीजें भूल गए हैं, अच्छा अब आ जाते हैं पैगंबर इस्लाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उनको किस नाम से याद किया गया है?
कुरान शरीफ रहमतुल लिल आलमीन, इसका क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही सर, कि तमाम मतलब क्या हुआ, तमाम जहानों के लिए रहमत है, मुसलमानों के लिए नहीं सर, इंसानों के लिए नहीं सर, आलमीन में तो सब, परिंदों के लिए भी जी ऐसे ही, ठीक है ना, ये बात अभी तक सही चल रही है ना, सर बजा है रहमतुल आलमीन है जी ऐसे ही। इस ये कहां लिखा हुआ है सर? कुरान पाक में जी। कुरान पाक आपसे थोड़ा बेहतर चाह रहा जी, वो मार्सलना जी नहीं, देखिए ये बातें हैं जो ये पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स हैं, हमें हम सिर्फ नाम मुंह पे ना लाएं मगर उनका इखलाक जो हमसे उस पे चले हैं सर, जो ये तो अभी तक कुरान शरीफ में, अभी हम उसमें हदीस तक पहुंचे नहीं हैं, अभी कुरान शरीफ में सूरह इसरा वाकया तो पता है ना सर, फिर मेराज सर, तमाम पैगंबर और तमाम अनबिया किसके पीछे नमाज पढ़ी बताइए जी? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों क्यों नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनके पीछे क्यों नहीं पढ़ी बताइए? सर मैं, मेरी दीन फहमी इतनी ज्यादा नहीं है, मैं कुछ इस हवाले से पूछ लेते हैं उमर साहब। नहीं इस्लाम स्टेट रिलीजन, हम सब मुसलमान हैं तो फिर हमें थोड़ा सा सीखना भी तो चाहिए ना, थोड़ा जिम्मेदारी है हम पे ना जी, ऐसे यकीनन ऐसे। तो क्यों बताइए ना, ये मेरा इल्म बड़ा महदूद है इस हवाले से, मैं इसकी इस नुक्ते पे मुताला करके नहीं आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी कि सिर्फ आप हैं रहमतुल आलमीन। बिल्कुल ठीक सर, ठीक है ना, ये आप इस बात की जरा सोचिए, ठीक है, वो तो उनसे पहले वाले पैगंबरों ने उनको दावत दी और उनके पीछे सबने नमाज पढ़ी, अब खत्म हो गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला खत्म, अब हमें उनसे ही गाइडेंस लेना है जी, ठीक है, बाकी फुकवा वगैरह आते हैं वो तशरीह कर सकते हैं, मगर जो सर चश्मा है हिदायत का वो हमारे लिए, बल्कि अब तो स्टेट रिलीजन है तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं जो किसी और के मजहब और उस पर होती है, मेरे ख्याल में वो चाहे ईसाई भी हों चाहे जी हिंदू भी हों, वो भी चाहेंगे परिंदे और वगैरह ये जिंदा रहें। और लकब क्या दिया अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी को? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो दुरूद की बात जी ऐसी, रहमतुल्लिल आलमीन, एक और भी हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह, हबीब से क्या मुराद? दोस्त सर, दोस्त, बिलविड ऑफ द जी ऐसे ऑलमाइटी, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या लकब था? खलीलुल्लाह, माशाल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का? रूहुल्लाह, कलीमतुल्लाह सर, रूहुल्लाह, कलीमतुल्लाह, ठीक है सर। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलीमुल्लाह, ठीक है। तो अब कुछ हम गाइडेंस ले सकते हैं अपने इस्लाम से इस मौजू पे, अब बताइए हदीसें दो चार जो आपके केस में आएंगी। कुछ हदीस का जिक्र तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2016 SCMR 48 में भी है। ये किसका फैसला? सर दिस इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टाइटल्ड प्रोविंस ऑफ सिंध वर्सेस लाल खान चांडियो 2016 SCMR 48 एंड दिस इज अ जजमेंट विच वॉज ऑथर्ड एट दैट टाइम बाय अ थ्री मेंबर बेंच प्रेजाइडेड बाय जस्टिस जवाद अस ख्वाजा एंड ऑथर्ड बाय हिज लॉर्डशिप जस्टिस काजी फैज ईसा। इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं इसमें से? सर जो इसके अंदर आपने मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के हवाले से जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं उनका एक खुलासा पेश किया। बिफोर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बताइए। गुबारा बस्टर्ड के जो चीज इसमें आप पढ़ना चाहते हैं? सर पैराग्राफ 19 से पढ़ना चाहूंगा मैं। 18 से भी सर जी। बल्कि अगर आप ये जो हमारा अगर आईन, एक चीज में कहना भूल गया, अगर आईन खोलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है?
सबसे पहली बात आइन क्या कहता है? वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय हिम इज अ सेक्रेड ट्रस्ट। इसका क्या मतलब हुआ सर? हाकमियत आला जो है ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज हाकमियत आला इस तमाम कायनात की रब कायनात के पास है। जी बिल शमूल नेशनल पार्क यकीनन ऐसे ही सही है। ऐसे ही चलिए ऐसे ही बड़ी अच्छी बात है। अब जरा पढ़ते हैं ये पैराग्राफ 18 आप पढ़ना चाह रहे हैं जरा पढ़िए जी गिलानी साहब। सर पैराग्राफ 18 वी अलोन ऑफ The Almighty's creation have been bestowed with the responsibility to maintain balance and not to rupture the order of nature. आगे सूरह अल अनाम की आयत नंबर 141 का तर्जमा दिया गया डू नॉट वेस्ट वेरली अल्लाह डज नॉट लाइक दोज हु वेस्ट द अल मुसरिफून एंड डू नॉट डू मिस्चीफ इन द अर्थ आफ्टर इट हैज बिन सेट इन ऑर्डर सूरह अल आराफ। इसके बाद सर मैं ये पढ़ते रहे जी एक्शंस दैट डिस्ट्रॉय डेवस्टेट एंड इम्पेयर हिज क्रिएशन आर प्रोहिबिटेड इफ ए स्पीसीज वर टू बी हंटेड टिल इट बिकम्स एक्सटिंक्ट और वल्नरेबल इट वुड इम्पेयर मुस्लिम्स एबिलिटी टू लीड हिज लाइफ इन अकॉर्डेंस विद हिज रिलीजन एंड टू प्रैक्टिस इट दस वायलेटिंग आर्टिकल 20। It is important to heed our duties as stewards of the earth. ये खलीफा फिल अर्द हुआ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू टेक केयर ऑफ अल्लाह क्रीचर्स। फिर आयत का तर्जमा है सूरह नूर की Have you not seen that Allah is glorified by all in the heavens and on the earth? Such as birds with wings outspread, each knows its worship and glorifications. And Surah Al-Isra ki verse 44, there is not a thing but hymns his praise. और आगे सर सैयद हुसैन नसर की किताब से एक इक्तबास है एवरी टाइम विच इज वेरी रेलेवेंट टू द केस एट हैंड एवरी टाइम वी डिस्ट्रॉय अ स्पीसीज वी आर डिस्ट्रॉइंग अ प्रेयरफुल थिंग इट इज लाइक मर्डरिंग समवन व्हाइल ही इज प्रेइंग इट इज एज एबोमिनेबल एज दैट। सैयद हुसैन नसर द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डायमेंशंस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। My Lord, that is the excerpt I wanted to read. And my Lord, हमारी जो petition है